Hello student, we have one more question on the liquidation of a company. If you see, we have been given the balance sheet of Unlucky Limited and 31st December 2014. It went into voluntary liquidation on that date. A very important thing that you need to find out from the balance sheet is how much cash and bank balance you are having. Then you have to find out the class of liabilities, means liability kon kon sa hai, share capital hai, preference share hai, secured hai, unsecured hai, that you need to find out. Ab liabilities mein ek to aap dekhoge preference shares hai. There are three types of equity share, A hai, B and you have C. A 100 rupees jisme 80 paid up hai, B 100 rupees jiska 60 paid up hai and C 40 paid up hai. Tino पार्टली पेड है, सो पैसा जरूरत पड़ने पे हम लोग मंगा सकते हैं. देन डिबेंचर सिक्योर डिबेंचर है, उस पर इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है, तो आपका 8,40,000 इज रिगार्डिंग द डिबेंचर है, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर. डिबेंचर सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है वो अभी इसमें से नहीं पता चलेगा, बट वी हैव टू गो ऑन टू द इन्फॉर्मेशन. पहले एडजस्टमेंट वी मे गेट सम इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटर्स नॉर्मली आर अनसिक्योर्ड वन, बट वी मे हैव इन्फॉर्मेशन. Now, asset realized, land building, stock, machinery, debtor, in sabka realization amount diya hua hai, total we will use it in the final statement. Out of the total creditor, 40,000 are preferential creditors. So, total creditors mein se 40,000 the preferential creditor hai, beside creditor of 3 lakh are secured by investment. Secured by investment, yani ye 3 lakh rupees hai wo, secured creditors hai, investment pe secured hai. With they sold in 4 rupees 3,12,000. अब देखो 3 लाख की liabilities के सामने आपने 3,12,000 का investment उन्होंने recover किया हुआ है, तो जो 12,000 surplus बचेगा this is handed over to the liquidator. इसको बोलते हैं surplus from secured creditors. Then creditors of 1 lakh were paid 20% less. तो जो 1 lakh के creditor है उसको हम लोग 20% less pay करेंगे, यानी 80,000 pay करेंगे. 60,000 वाले को 30% less pay करेंगे एंड रिमेनिंग वेर पेड इन फुल. तो हमें क्रेडिटर्स की बैलेंस अमाउंट पे फाइंड आउट करना है कि हम लोग हाउ मच वील पे. डिबेंचर होल्डर वेर पेड ऑन 30th June. अब देखो दिस डेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. हमारा लिक्विडेशन डेट है 31st December 2014. डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो रहा है 30th June, यानी 6 मंथ लेट पे हो रहा है, तो हमें 6 मंथ का डिले इंटरेस्ट पे करना है. प्रोवाइडेड कंपनी सॉल्वेंट, यानी If out paying all outside liability, अगर कुछ बच रहा है तो ये डिले इंटरेस्ट पे करना है. अब बोलोगे सर ये 40,000 पे करना है कि नहीं करना है, ये तो पे करना ही है, ये तो पे करना ही है. डिले इंटरेस्ट, डिले यानी लिक्विडेशन के बाद कुछ दिन के बाद अगर डिबेंचर होल्डर को लाइबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस को पे हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. बट कंडीशन ये है कि कंपनी इज अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो यू सेड कंपनी इज सॉल्वेंट, तो इंटरेस्ट पे करना है. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 22,760 जो हमें इमीडिएटली बिगिनिंग में पे करना है. लिक्विडेटर वेर गेट वेर वाज एंटाइटल टू गेट रेमुनरेशन 1% ऑफ अमाउंट रियलाइज. तो जितनी असेट रियलाइज होगा 1%, बट एक्सेप्ट सरप्लस रिटर्न फ्रॉम सिक्योर. तो सिक्योर क्रेडिटर्स से जो मिलेगा वो कंसिडर नहीं करना है, यानी इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, यानी ये जो चारों असेट से पैसा आ रहा है उसका हमें लिक्विडेटर को 1% देना है. एंड 2% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. यू टू बी वेरी केयरफुल अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट. तो हमें मेन आंसर वुड बी फाइनल स्टेटमेंट. फाइनल स्टेटमेंट वन साइड वी राइट ऑल द रिसिप्ट एंड अदर साइड वी राइट ऑल पेमेंट्स. रिसिप्ट में सबसे पहले आपको लिखना है कैश. कैश क्वेश्चन में है 1,14,000, ये दिया हुआ है 1,14,800. सारी असेट रियलाइज होगी, इसका टोटल असेट रियलाइज्ड सारी असेट्स का टोटल 18,48,000. सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट सेल करके क्रेडिटर 3,12,000 कलेक्ट करेंगे, जिसमें से 3 लाख उसका एडजस्ट हो जाएगा, तो हमें 12,000 सरप्लस रेंडर करेंगे. इतना पैसा अभी अवेलेबल है, लास्ट में जरूरत पड़ने पर वी कैन डिमांड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स. अभी पेमेंट में सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 22,760 है. नेक्स्ट इज लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन. लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन दो है, 1% ऑफ असेट रियलाइज, 2% ऑफ द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू बी पेड. सो इट इज 1% ऑफ 1848
एंड 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 14 लाख 222 का 4-4 वील मेक कैलकुलेशंस ऑन दैट लेटर ऑन. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज इट्स कम्स टू 40,000. डिबेंचर्स आप देखो कि क्वेश्चन में डिबेंचर्स 8 लाख है, 40,000 इतना तो पे करना ही है. इंटरेस्ट डिले पेमेंट इंटरेस्ट 6 मंथ का पे करना होगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 40,000, इंटरेस्ट 40,000 सो 880. नेक्स्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने होंगे देखो आप. अमाउंट पेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, टोटल क्रेडिटर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 6 लाख रुपीज, उसमें से प्रेफरेंशियल 40,000, फुली सिक्योर्ड 3 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बचा है 260. अब 260 में से 1 लाख वाले है उसको 20% लेस पे करेंगे तो 80,000 पे करेंगे, 60,000 वालों को 30% लेस पे करेंगे तो उसको 42,000. रिमेनिंग क्रेडिटर बचेगा 260 माइनस जो 260 था उसमें से ये 1 लाख, ये 60,000 माइनस होगा, उनको फुल पे करना होगा 1 लाख. सो टोटल पेमेंट 222 हम लोग पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 222,000. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स का अमाउंट है दैट इज 8 लाख रुपीज. अब आप देखोगे 18 लाख इतना सारा पेमेंट होगा, अभी हमें चेक करना है कि डेफिशिएंसी है कि सरप्लस है. तो सरप्लस बैलेंस लेफ्ट आफ्टर पेमेंट अप टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पेमेंट करने के बाद कितना पैसा बच रहा है, तो टोटल इनकम माइनस पेमेंट टू दिस स्टेज, तो हमने 1974 800 इन तीनों का टोटल है 1974 800 माइनस अनसिक्योर क्रेडिटर 222 का पेमेंट माइनस करेंगे तो सरप्लस बचेगा 787 120. अभी कितने पेमेंट बचेंगे, तो अभी पेमेंट बचेगा प्रेफरेंस कैपिटल प्लस पेड अप कैपिटल, तो 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स करेगा तीनों शेयर्स का 643, तो टोटल चाहिए 1960. अगेन इसके सामने सरप्लस था 786, तो 1960 माइनस 787 तो आपका टोटल पेबल के सामने सरप्लस इतना, तो डेफिशिएंसी कम्स टू 11,72,880. ये आपका हो गया डेफिशिएंसी जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों शेयर्स पे, एबीसी कैटेगरी शेयर्स पे. तो आप देखोगे एज द फेस वैल्यू ऑफ ऑल द इक्विटी शेयर इक्वल द डेफिशिएंसी विल बी डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर. तो आपका शेयर है 8,000 6,004, तो रेशियो बनेगा 8:6:4, सो 4:3:2, 9, सो रेशियो बनेगा 4:9, 3:9, 2:9. आपका डेफिशिएंसी कितना था 11,72,880. सो पहला ए कैटेगरी का बनेगा 11,72,880 × 4:9, 11,72,880 × 3:9 एंड 2:9. सो टोटल डेफिशिएंसी तीनों को 521 ए की डेफिशिएंसी, बी कैटेगरी 399.60 एंड सी का 260.640 डेफिशिएंसी. अभी हम लोग कितना रुपए डिमांड करेंगे और रिफंड करेंगे, तो टोटल अमाउंट रिपेबल टू द शेयरहोल्डर्स माइनस डेफिशिएंसी तो पता चलेगा. सो पेड अप कैपिटल माइनस डेफिशिएंसी, ए के लिए 640 पेड अप कैपिटल है, 520 डेफिशिएंसी है तो हमें रिफंड करना होगा 118, बी में 360 उसका पेड अप यानी उसको पे करना है, 390 डिमांड करना है वी हैव टू कॉल, एंड सी में 160 रिफंड करना है, 260 डेफिशिएंसी है तो उसको भी कॉल करेंगे 1,640. सो ए को रिफंड करना है, इन दोनों से डिमांड करना है, ये रिसिप्ट साइड आ जाएगा, ये पेमेंट साइड आ जाएगा. सो इफ यू सी कॉल फ्रॉम बी एंड कॉल फ्रॉम सी एंड पेमेंट्स टू ए एंड वंस यू विल हैव ए टोटल. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विडेटर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. थैंक यू.